आपका खैर मकदम है। आज यहाँ पे बात करेंगे बीपीएल एडिशन फोर्थ के बारे में, जिसकी आज शुरुआत हुई थी बिजबिहारा के अंदर नए टर्फ विकेट पर। आज यहाँ पे सुल्तान वारियर्स बारामूला और हिलव्यू राजौरी के दरमियान यहाँ पे मुकाबला खेला गया है, इनॉग्रल मैच। यहाँ पे हिलव्यू राजौरी ने यहाँ पे सुल्तान वारियर्स बारामूला को यहाँ पे हराया है, पहला ही मैच। तो यहाँ पे हमारे साथ मायनाज खिलाड़ी हिलव्यू राजौरी के खिलाड़ी जहांगीर अहमद लोन साहब, इनके साथ आज बात करेंगे इस बिजबिहारा प्रीमियर लीग के बारे में। आपका खैर मकदम है। सबसे पहले तो क्या कहना चाहेंगे, आज बिजबिहारा प्रीमियर लीग की आज शुरुआत हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब बिजबिहारा बीपीएल का काफ़ी अरसे से इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि लास्ट दो सीज़न से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मतलब मेरे हिसाब से अभी अगर कश्मीर रीजन की बात करें तो सबसे टॉप रेटेड टूर्नामेंट और सबसे टॉप रेटेड मैनेजिंग बॉडी प्लस बाकी जो लाइक विकेट है वो मिलती है यहाँ पे। तो ईगरली वेट कर रहे थे कि कब से स्टार्ट होगा, और फाइनली आज इनॉग्रेशन मैच था, तो काफ़ी खुश है। तो ये बताइए जहांगीर साहब, यहाँ पे काफ़ी सारी टीमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तकरीबन 20 टीमें इसमें पार्टिसिपेट कर रही है, तो कैसे अरेंजमेंट्स आज किए गए थे बिजबिहारा क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से? जी देखिए, अरेंजमेंट्स की अगर हम बात करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा क्राउड था, बहुत ही ज़्यादा, मतलब इतना एक्सपेक्ट नहीं था। बट मैनेजिंग बॉडी की बात करें, जैसे आपने बोला कि अरेंजमेंट्स काफ़ी अच्छे थे, जैसे आपने भी देखा हो ग्राउंड में कुछ ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ जिससे गेम रोकनी पड़े या बाकी चीज़। तो मैनेजमेंट की दाद देना चाहता हूँ, काफ़ी स्मूथली ये सब हुआ। तो ये बताइए, नॉर्थ से लेकर साउथ कश्मीर तक आप काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे काफ़ी सारे क्रिकेट शायकीन इस समय पहुँच गए जो आपके पास सेल्फियाँ लेते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे इन क्रिकेट शायकीनों के बारे में? इनका हमेशा मैं शुक्रगुजार रहा हूँ, इनको लाइक जैसे आपने बोला फैन, मैं इनको भाई मानता हूँ, हमेशा मैंने यही बात कही और कहता भी रहूँगा कि दे आर लाइक माई ब्रदर्स। बस इनका प्यार हमेशा भी मिल ही रहा है, इंशाल्लाह एक्सपेक्ट करूँगा कि फ्यूचर में भी इनसे ऐसा ही प्यार मिलेगा। तो ये बताएं आखिर में यहाँ पे जाते जाते आज कैसा यहाँ पे ट्रैक बनाया गया था, यहाँ पे बिजबिहारा क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से काफ़ी दिनों तक यहाँ पर जो ग्राउंड स्टाफ था वो काम कर रहे थे काफ़ी अच्छे तरीके से इतनी ज़्यादा धूप में, तो क्या कहना चाहेंगे ग्राउंड के बारे में? देखिए, मैंने पहले ही बीपीएल की बात की, अगर विकेट के हिसाब से देखें तो नंबर वन रेटेड है कि ऐसा टर्फ आपको पूरे कश्मीर में कहीं नहीं देखने को मिलेगा, और एक प्लेयर के लिए और अच्छे लेवल का क्रिकेट जहाँ भी होता है ऐसी विकेट्स पर होता है। तो हम मतलब प्लेयर्स ईगरली वेट करते हैं कि कब ऐसा टूर्नामेंट हो, कब टर्फ विकेट हमें मिले, हम पार्टिसिपेट करें, और लकीली बीपीएल स्टार्ट हो गया तो हम काफ़ी खुश है। तैयारी हो चुकी है, अभी चीफ गेस्ट आने वाले हैं, बाज़ाब्ता तौर पर इसका उद्घाटन होगा, इसका इनॉग्रेशन आज, जिसमें आज सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट यूथ एंड स्पोर्ट्स जनाब सरमद हफीज साहब आ रहे हैं, उनके साथ मोहतरम नुजत गुल भी आ रही है, सेक्रेटरी स्पोर्ट्स काउंसिल, उनका हम इंतज़ार कर रहे हैं, और इंशाल्लाह जल्दी विद इन 15 मिनट ये तकरीब शुरू होगी। और इस साल लास्ट ईयर से बेहतर ये अरेंजमेंट यहाँ पे है, और टीमें भी इस साल 20 टीमों का इंतखाब किया हुआ है, और आज जम्मू डिवीजन से इनॉग्रल मैच राजौरी जिनको हमने आज फिक्चर में डाला है वो खेल रही है, और कश्मीर वैली की एक बेस्ट टीम यहाँ से सुल्तान वारियर्स का मुकाबला हो रहा है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि बाय एंड लार्ज अच्छा अरेंजमेंट है, और इस बीपीएल के हवाले से, और लोग काफ़ी उत्साहित है इनॉग्रेशन मैच को देखने के लिए। अभी जल्दी इंशाल्लाह चीफ गेस्ट भी हमें ज्वाइन करेंगे, और बाज़ाब्ता तौर पर इस लीग का बीपीएल फोर्थ एडिशन का आगाज़ होगा। तो फारूक साहब, क्या तमाम तर इंतजाम यहाँ पे मुकम्मल किए गए हैं? बिल्कुल, आप देख रहे हैं कि ये 15 दिन से ये अरेंजमेंट बिल्कुल चल रहा है, विकेट तैयार है, हर चीज़ की तैयारी हो चुकी है, बिल्कुल अब लोग इस पल का इंतज़ार कर रहे हैं कि ये इनॉग्रेशन कब हो, कब ये शुरू हो जाएगा, और इंशाल्लाह हम समझते हैं कि लास्ट ईयर से ये बेहतर, हर सूरत में ये बेहतर बीपीएल फोर्थ एडिशन होगा। ये बहुत ही अच्छी लीग है, इसमें तमाम तैयारियाँ मुकम्मल है, और जम्मू कश्मीर जो फारूक साहब ने बताया अभी, जम्मू से भी टीमें आ रही हैं, खासकर इसमें ये खसूसियत है कि हमने जूनियर टीम एक सिलेक्ट किया है यहाँ, जो परवेज साहब की कोशिशों से हुआ है, उसको भी एंट्री हुई है यहाँ, 19 टीमें बाकी, यहाँ जूनियर टीम एक है, इसमें यहाँ के बच्चे नहीं है, बल्कि इसमें हर एक डिस्ट्रिक्ट में बच्चे फ्री एंट्री है उनको। हमारा जो ग्राउंड स्टाफ है उन्होंने दो महीने से वो लगातार कंटिन्यू यहाँ सुबह शाम आ रहे हैं इस ग्राउंड को मेंटेन करने के लिए।